At last. Let's go. Mr. Sam भी बहुत अच्छे आदमी थे. पता नहीं क्या हुआ उनका. होना क्या है बात. बाकी लोगों की तरह वो भी ऊपर चले गए होंगे. और क्या? कुछ भी कहो एडी, वो दिन भी कितने अच्छे दिन थे. बस अब तो सिर्फ यादें ही रह गई. हाँ, सिर्फ यादें ही है. जाओ. एडी, हाँ? अपने बाल तो ठीक कर लो. इस उम्र में तुम्हारी तरह कंघे लेके तो नहीं घूमता हूं ना. कांगी और मैं. कहिए. हम. गुड मॉर्निंग मैडम. हम सब वो. दरअसल नौकरी के लिए हम. हो. हाँ हाँ. दरअसल मुझे कुछ याद ही नहीं रहता. हर चीज भूल जाते हूँ. आइए आइए आइए. मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने जल्दी आ जाएंगे. मैं बार्था पिंटो, एडगर विल्स. अच्छा, आप गार्डनर हैं? जी मैडम. ये मारिया डिसूजा. घर का काम काज आता है ना? ये देखने में छोटी सी है पर काम काज में तेज है. घर का काम कर लेती हो ना? क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? जी मैडम, ये बोल नहीं सकती पर काम काज में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी. ओह, आई एम सॉरी. लगता है काफी दिनों से घर की सफाई करने वाला कोई नहीं है. एक हफ्ते पहले तो सब थे लेकिन पता नहीं अचानक गायब हो गए. गायब हो गए? हाँ, ना मुझसे कुछ कहा ना कोई नोटिस दिया, यहाँ तक कि अपनी सैलरी तक नहीं ली. चले गए हमें छोड़कर. Isn't it strange? हाँ, अजीब बात है. Anyway, आइए. आप लोग जल्दी समझ जाएंगे कि ये घर आम घरों की तरह नहीं है. काफी अलग सा है. इसलिए मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था कि मुझे अच्छे और ऑनेस्ट आदमियों की जरूरत है. आपने जैसा सोचा था मैडम, आप हमें बिल्कुल वैसे ही पाएंगी. क्यों एडी? हमारे काम से आपको कोई शिकायत नहीं होगी मैडम. और ये है किचन. मैं नाश्ता 9 बजे करती हूँ और बच्चे 10 बजे. लंच 1 बजे होता है और रात का खाना 8 बजे. ओके. आपके पति, आई मीन योर हस्बैंड? वो जंग पे गए हैं, आर्मी में है ना, इसलिए जाना पड़ा. जंग तो कब की खत्म हो गई लेकिन उनका आज तक कोई पता नहीं चला. बड़े अफसोस की बात है. एनीवे, आप लोगों में से खाना कौन बनाता है? मारिया. आइए. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूं. And I want you to listen very carefully to what I have to say. इस घर का कोई भी दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप पहले दरवाजे को ठीक से बंद नहीं कर लेते. और बंद करने का मतलब है पूरी तरह से बंद, ताला लगाकर. Is that clear, Mrs. Pinto? हाँ. और ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि इस घर में 15 दरवाजे हैं और उनकी 15 चाबियां. किस वक्त कौन सी चाबी यूज करनी पड़े ये याद रखना बहुत जरूरी है. मिसेस पिंटो, चाबियों का एक सेट आपको कल मिल जाएगा. जी. और ये है हमारा पियानो लेकिन इसे बजाया नहीं जाता. फ्रैंक को बहुत पसंद है. फ्रैंक माय हस्बैंड. लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे बच्चे ना छुएं क्योंकि कोई भी ऊंची आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और मेरे माइग्रेन का अटैक शुरू हो जाता है. इसलिए खामोशी मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है और इस बात का ध्यान आप लोग रखेंगे. यस मैम. इसलिए आपको इस घर में टीवी, रेडियो या टेलीफोन नजर नहीं आएगा. यहाँ तक कि मैंने बिजली का कनेक्शन भी कटवा दिया है. बच्चे हैं, उनका क्या भरोसा.
कहीं भी उजाला कर दें। हमने अंधेरे में जीने की आदत डाल ली है। आइए मैं आपको बाकी का। मैम, पूरे घर को दिखाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मिसेस पिंटो, क्योंकि अक्सर इस घर में अंधेरा रहेगा और कभी भी आते जाते आपको किसी टेबल या कुर्सी से ठोकर लग सकती है, या हो सकता है कि मेरे बच्चे आंख में चोली खेल रहे हों। मैं कुछ समझी नहीं मैडम। आप समझ जाएंगी, आइए। मिस्टर एडगर। जी मैडम। आपको गार्डनिंग का सारा सामान नीचे शेड में मिल जाएगा। जी। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी मैडम। और आप ये सारे पर्दे बंद कर दीजिए। सब के सब? हाँ। ओके। आइए। मिसेस पिंटो, मैं बच्चों को जगा कर आती हूँ। और कुछ भी हो जाए पर्दे मत खोलिएगा। सारा, मम्मा, चलो उठो बेटे। डेविड, देखो आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? उठो। आइए। अभी तक नींद में है दोनों। बहुत स्वीट बच्चे हैं आपके। हेलो नहीं किया आपने? हेलो। हेलो, मेरा नाम बार्ता पिंटो है और यह है मारिया। और आपका नाम क्या है? अपना नाम बताओ। सारा। डेविड। अरे वाह, कितने प्यारे नाम हैं आपके, सारा और डेविड। आप हमारी नई नानी हैं। हाँ बेटी, मैं आपकी नई नानी हूँ। मारिया, नीचे जाकर नाश्ता लगा दो। और सुनो, ये कैंडल साथ ले जाओ, कहीं तुम्हें ठोकर ना लगे। देखा कितना ध्यान रखना पड़ता है। किस बात का ध्यान मैडम? इनकी आंखों का। क्यों, क्या हुआ इनकी आंखों को? अच्छी भली तो है। कोई एलर्जी है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन इसका कोई इलाज नहीं। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है? रोशनी। रोशनी मिसेस पिंटो, इनको रोशनी से एलर्जी है। अगर इनका अचानक रोशनी से सामना हो गया तो एक ही पल में इनके पूरे बदन पर खराश और छाले पड़ जाएंगे, इनका दम घुटने लगेगा और मिसेस पिंटो इनकी जान भी जा सकती है। ये क्या बेटा, अभी तक तुम लोगों ने नाश्ता नहीं खत्म किया? मुझे ये नाश्ता पसंद नहीं। क्यों, नाश्ता क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि ये टेस्टी नहीं है। पहले का नाश्ता बहुत टेस्टी होता था। पहले का नाश्ता इसलिए टेस्टी होता था क्योंकि कोई और बनाता था। तो वो लोग कब आएंगे नैनी? वो तो अब वापस नहीं आएंगे। पापा की तरह? पापा वापस आएंगे, जरूर आएंगे, वो घर पे गए। बस अभी बातचीत बंद, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, कम ऑन। आप तो हमें छोड़ के नहीं चले जाएंगे ना नानी? नहीं बेटी, मैं भला तुम्हें क्यों छोड़कर जाऊंगी? वो सब यही कहते थे लेकिन सब छोड़ के चले गए। बस आगे बस बताना। क्या हुआ था? कुछ नहीं बताना। तुम चुप रहो। मेरी माँ पागल हो गई थी। कुछ नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। हुआ था। नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। मैंने कहा ना हुआ था। क्या बात है, चुप करो तुम लोग, इतना शोर क्यों मच रहा है यहाँ? और ये क्या, तुम दोनों ने अब तक नाश्ता क्यों नहीं खत्म किया? चलो जल्दी से खत्म करो इसे। मिसेस पिंटो, आप जरा बाहर आएंगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
यस मैडम। जाग जाओ ना, मम्मा ने क्या कहा था? कुछ नहीं हुआ था। मिसेस पिंटो। यस। जैसा कि आप जानती हैं कि ये जगह शहर से काफी दूर है, इसलिए रोज रोज शहर आना जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर मैं इन बच्चों को भी तो अकेला नहीं छोड़ सकती। आपने ठीक कहा, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि बाहर की दुनिया के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। हर हफ्ते हमारा आदमी शहर से आता है और मेरी चिट्ठियां शहर तक ले जाता है, लेकिन आज हाथ जब मैंने लेटर बॉक्स खोला तो मैंने देखा कि मेरी चिट्ठियां यही हैं, कहीं नहीं। आप क्या कहना चाह रही है, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं आपको समझाती हूँ मिसेस पिंटो। ये चिट्ठी 5 दिन पहले डेली टाइम्स के ऑफिस तक पहुंच जानी चाहिए थी। आप जानती हैं इस चिट्ठी में क्या है? इसमें एडवर्टाइजमेंट है, स्टाफ रिक्वायर्ड। 5 दिन पहले ये चिट्ठी डेली टाइम्स के ऑफिस तक पहुंच जानी चाहिए थी। जब ये चिट्ठी डेली टाइम्स के ऑफिस तक पहुंची ही नहीं तो छपेगी कैसे, है ना? जी। और जब ये छपी ही नहीं तो क्या आप मेहरबानी करके मुझे ये बता सकती हैं कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, अब मैं आपकी बात समझी। मैम, हम उसी दिन आपको बताने वाले थे जब हम इस घर में आए थे, लेकिन आपने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, अब मौका मिला है, अब बता दीजिए। मैडम, हम तो ये सोचकर यहाँ पर आए थे, हमेशा इतने बड़े घरों में स्टाफ की जरूरत होती है, और स्टाफ भी वैसा हो जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ घर को संभाल सके। सोचा नहीं था काम मिल जाएगा। ओ, तो आप लोग पहले भी किसी ऐसे घर में काम कर चुके हैं? हाँ, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, हम तीनों पहले भी इस घर में काम कर चुके हैं। क्या, इसी घर में? जी मैम, कुछ साल पहले। आप बिलीव कीजिए, वो साल हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे साल थे। बस वही सोचकर एक बार फिर से हम लोग यहाँ आ गए। मेरे पास काम के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, आप देखना चाहेंगी? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो आप इस घर को अच्छी तरह से जानते हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरह से। वैसे भी तो कुछ बदला नहीं यहाँ पर, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, सिवाय रोशनी के। रोशनी इस घर में सिर्फ कितना मुश्किल हो जाता है ये सब। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी हमारे बस में नहीं है। और एक दिन तो जाने दीजिए, ज्यादा सोचेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, है ना? जी समझ गई। हो सकता है जो आप सोच रही हैं वो कुछ और है, और मैं नहीं चाहती कि आप कुछ उल्टा सीधा सोचें। आप मेरी बात समझ रही है ना? जी शायद कुछ कुछ। ठीक है, आप लोग यहाँ काम कर सकते हैं। ओह थैंक यू। मारिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि पियानो को हाथ मत लगाना, तो फिर पियानो बजाने की क्या जरूरत थी? झूठ मत बोलो मारिया, पियानो खुला पड़ा है ना? तो फिर किसने बजाया ये पियानो? मारिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, किसने बजाया ये पियानो, जवाब दो। मैडम, बच्ची है, गलती हो गई होगी। मिस्टर एडगर, मैं मानती हूँ गलती हो सकती है, लेकिन देखिए देखिए झूठ बोल रही है ये। वैसे मैडम, मारिया कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मारिया झूठ नहीं बोल रही तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मैडम, आप भी नहीं। तो फिर किसने बजाया ये पियानो? मैडम मैं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मारिया, मुझे मालूम है सच क्या है। नहीं मारिया, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है कुछ भी कहने का,
जब वक्त आएगा ना तो हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आंसू पोछ डालो। मिसेस पिंटो ने अगर तुम्हें इस हालत में देख लिया ना तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगी। स्वीट गर्ल, अब चलो चलो हंसो। वो लोग जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स थे और उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन जब उन्होंने सच कहा तो उन्हें जान से मार दिया गया। इसमें हंसने की क्या बात है? How stupid of them, मामा। अगर उन्हें पता ही था कि वो सच बोल के मारे जाए तो उन्हें सच बोलने की जरूरत क्या थी? ओह, तो आपका मतलब है कि उन्हें झूठ बोलना चाहिए था? ऑफ कोर्स मामा, झूठ बोल के कम से कम अपनी जान तो बचा लेते। सारा, आप उनकी जगह होती तो आप क्या करती? ऑब्वियसली मामा, झूठ बोल के अपनी जान बचा लेती। जैसे कि सारा, बस आप लोग अपना लेसन याद कर लो। मैं थोड़ी देर में आप लोगों का टेस्ट लूंगी। अभी? हाँ अभी, एक घंटे के बाद। एक्सक्यूज मी मामा, एक घंटा एक चैप्टर के लिए इनफ नहीं होता। आप सारा प्लीज, एक घंटा काफी होता है। और आप दोनों एक कमरे में नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग कमरे में अपने लेसन याद करेंगे। अलग अलग कमरों में? मुझे डर लगता है। किस बात का? अगर भूत आ गया तो? अगर भूत आ गया तो उसे हाय हाय कह देना। मम्मा। सारा, कहीं तुमने डेविड को कोई और कहानी तो नहीं सुना थी? एक्सक्यूज मी मामा, मैंने कोई भी कहानी नहीं सुनाई। सारा, जो मैंने कह दिया आपने सुन लिया। उठा अपनी किताबें और दूसरे कमरे में जाओ। ठीक है, दूसरे कमरे में ऐसे? ओह, मिसेस पिंटो। यस। सारे पर्दे बंद कर दीजिए, सारा उस कमरे में जा रही है। ओके। जिंदगी वो जो तेरे पहलू में गुजर जाए, जिंदगी वो जो तेरे पहलू में गुजर जाए, रात है वो जो तेरे ख्वाबों में गुजर जाए। खुदा जुदा न करे मुझसे कभी तुझको सनम, खुदा जुदा न करे मुझसे कभी तुझको सनम, दुआओं से ये अपनी चाहतें संवर जाए। तू मेरा प्यार है, दिल का चैन है, सहारा है। तू मेरा प्यार है, दिल का चैन है, सहारा है। जमीन पे रब ने तुझे मेरे लिए उतारा है। तेरी तमन्ना के एहसास को समझता हूं, तेरी तमन्ना के एहसास को समझता हूं, सनम में तेरे दिल की प्यास को समझता हूं। मेरे जैसा नहीं कोई सदा ये कहती हो, मेरे जैसा नहीं कोई सदा ये कहती हो, बड़े जुनून से तुम मेरे दिल में रहती हो। इसलिए हर पल मैं यही बस यही कहता हूं कि जिंदगी वो जो तेरे पहलू में गुजर जाए, रात है वो जो तेरे ख्वाबों में गुजर जाए। डेविड, डेविड, मैं आ रही हूँ बेटे। डेविड, तुम ठीक हो ना? रो क्यों रहे थे? मैं क्या रो रहा था, मैं तो पढ़ रहा हूँ। तुम सारा, 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 सारा बेटे मैं आ गई। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? रो क्यों रही थी?
मैं तो सारा बेटा रोना कोई बुरी बात नहीं। क्या बात है? मामा कह दिया ना मैं नहीं रो रही थी। तो फिर कौन रो रहा था सारा? तुम्हारा मतलब है कि क्या मैं सपना देख रही थी? वो लड़का रो रहा था। कौन लड़का? विकी। ओ गॉड सारा, सारा ये विकी कौन है? जो अभी अभी यहाँ आया था। पर मैंने उसे कह दिया मुझे अभी अपना लेसन याद करना है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। पर वो तो जोर जोर से रोने लग गया। उफ मम्मा, मैंने अपने कान ही बंद कर लिए। और मम्मा वो कह रहा था कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि वो रो क्यों रहा था? पूछा था, कह रहा था कि वो लोग अब इसी घर में रहेंगे। पर उसे ये घर पसंद नहीं, और उसके जो पापा है ना वो बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। तो उसके पापा भी हैं और वो पियानो भी बजाते हैं। Very nice. हाँ, पर मैंने भी किसे कह दिया कि इस पियानो को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैंने ठीक किया ना मम्मा? तुमने उसके पापा से भी बात कर ली? मैंने सिर्फ विकी से बात की है। उसके पापा तो कुछ लोगों के साथ हॉल में बैठे हैं। सारा, हॉल में कोई नहीं है। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। तो फिर वो लोग ऊपर गए होंगे घर देखने। बस करो सारा, बस करो, बहुत कहानियाँ बना ली तुमने। बंद करो ये झूठ बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। विकी आया था। अरे कहाँ से आया था? ये चाबियाँ मेरे हाथ में, दरवाजा मैंने खोला, मैंने बंद किया। कहाँ से आया और कहाँ गया? विकी विकी लगा रखा है, जब देखो तब विकी विकी करती रहती हो। नहीं मम्मा, विकी यहाँ आया था। तो अच्छा, वो देखिए आपकी बुक, वो विकी नहीं गिराई है, देखिए। ये वहाँ कैसे पहुँच गए? हाँ, देखो मम्मा, विकी यहाँ पे आया था। हाँ, यहाँ कोई विकी नहीं है, वो मेरे हाथ से गिर गई थी। ऐसे कैसे आपकी बुक आपके हाथ से गिर जाएगी? वो विकी ने गिराई है। मैंने कहा ना मेरे हाथ से गिर गई थी। नहीं, वो विकी ने गिराई है। सारा प्लीज आप अपने कमरे में जाओ। मम्मा वो गो टू योर रूम। मैं जानती हूं तुम झूठ नहीं बोल रही हो। हां सारा, तुमने जो कुछ कहा सच कहा। पर एक बात ध्यान से सुनो, तुम जो कुछ सुनोगी, जो कुछ देखोगी, बस चुप रहा करोगी। डेविड, उठो डेविड। क्या हुआ सारा? उधर देखो। तुमने पर्दे क्यों हटाए? मैंने कोई पर्दे वर्दे नहीं हटाए। तो फिर किसने हटाए? विकी कब से ऐसा कर रहा है? वो बार बार पर्दे हटा रहा है। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। मैं भी मामा को बुला के लेके आता हूँ। बस करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम झूठी हो। इनफ इज इनफ। विकी जरा बाहर आके अपनी शक्ल तो दिखाना। मुझे नहीं देखती। क्यों? अब क्या हुआ? क्या हुआ डेविड? एक नमक ही डरपोक हो तुम, डरपोक। ठीक है, मैं ही पर्दा बंद कर देती हूँ। डरपोक कहेगा, कुछ नहीं कर सकता।
विकी, स्टॉप इट। विकी बहुत हो गया। डेविड देखो ना, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तुम दोनों मेरे बिस्तर से उठ जाओ। एक्सक्यूज मी विकी, ये हमारा बेड है, हम यहाँ पर सोते हैं। नहीं, ये मेरा बेड है, मुझे यहाँ पर सोना है। सर प्लीज, तुम ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप हो जाओ डेविड। विकी प्लीज, मुझे तंग करना छोड़ दो। तुम मेरे मामा को नहीं जानते। मेरी मामा यहाँ पे आएगी, तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगी। और तुम भी मेरे मम्मी डैडी को नहीं जानती। सारा, मैं मामा को सब कुछ बता दूंगा। डेविड पागल मत बनो, तुमने वो सुना नहीं? वो मेरी आवाज नहीं थी। विकी, जरा यहाँ आके डेविड को छू के तो बताना, इसे पता तो लग जाए कि तुम इस कमरे में मौजूद हो। और मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं तो इस लड़की से तंग आ चुकी हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। For his all blessings on me and my family, it is true as it is, the pure in heart seek God, the humble in spirit know Christ's joy and enter into God's glory. For I consider that that the suffering of the present time are not worth. Thank you. सारा की सजा का आज तीसरा दिन है। ये सजा उसे और कितने दिनों तक मिलेगी? ये तो उसी को तय करना होगा। गलती की है तो माफी भी मांगनी आनी चाहिए। और वैसे भी अब सारा बड़ी हो गई है, उसे बाइबल भी पढ़नी चाहिए। यस मैम, फादर डिसूजा को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अब सारा बाइबल पढ़ रही है। फादर डिसूजा यहाँ है तब ना, वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। सारा, सारा, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैं पढ़ रही हूँ मामा। मिसेस पिंटी हमारे ऊपर कर क्या रही है? सारा सा काम करने के लिए कहा था, इतना शोर मचाने के लिए तो नहीं कहा था? प्लीज उसे जाकर कह दीजिए कि इतना शोर ना मचाए, मेरे माइग्रेन का अटैक फिर से शुरू हो जाएगा और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यस मैम। मारिया, मारिया, इस मारिया का तो दिमाग ही खराब हो गया। तो पढ़ रही थी। खामोश हो जा। क्या आवाज कैसी? कौन? सारा, सारा तुमने आवाज सुनी ना? बता मुझे कौन है ऊपर? नहीं मामा, मुझे नहीं मालूम। सर मैं जानती हूँ तुम्हें पता है, बता मुझे। देखिए मामा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि जब भी मैं आपसे कुछ कहता आप मुझे डांटती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उस कमरे में कोई है, तब भी आपने मुझे डांटा था। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी। सर प्लीज, सर मुझे बता दो, क्या ऊपर कोई है? हाँ कोई है उस कमरे में।
को देखा? हाँ, आपने नहीं देखा मम्मा? कहाँ है वो? मम्मा वो लोग सब जगह, वहाँ उस तरफ नीचे भी। Oh my God. ये स्केच कल मैंने बनाया है मम्मा। ये लड़का विकी, ये उसके पापा और ये उसकी मम्मी। और ये सब नंबर्स क्या है? ये सब नंबर्स मैंने उतनी बार लिखे हैं जितनी बार मैंने इन सबको देखा है, और सबसे ज्यादा मैंने इस ओल्ड लेडी को देखा है। मिसेस मिंटो, आप जल्दी से जाकर मिस्टर एडगर को बुला लीजिए, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। हम सबको मिलकर उन्हें ढूंढना होगा। जाइए प्लीज जल्दी। हाँ हाँ मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटे नहीं बेटे, इसमें डरने की क्या बात है, मामा है ना आपके पास। सबसे ज्यादा डर मुझे इस बुढ़िया से लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें देख नहीं सकती, पर वो हमें देख रही होती है मामा। वो हर वक्त हमारे आसपास घूम रही है, मुझे कहती रहती है यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। झूठ मत बोलो सारा। मैं झूठ नहीं बोल रही मामा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। वो मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती है। विकी कह रहा था वो एक जादूगरनी है, जादूगरनी। हमें इस घर के सारे पर्दे हटाने होंगे ताकि रोशनी अंदर आ सके, कहीं भी अंधेरा ना हो, जहां कोई छुप सके। ठीक है मैडम, जल्दी कीजिए। मैम, मिसेस पिंटू, मिसेस पिंटू, आप जानती हैं ये क्या है? फोटो एल्बम है। हाँ वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन इसमें अजीब सी फोटोज हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब सो रहे हों। देखिए, ये लोग सोए हुए नहीं हैं, मर चुके हैं। मिसेस पिंटू, इस मनुस एल्बम को बाहर फेंक दीजिए, मुझे ऐसी किसी चीज की इस घर में जरूरत नहीं। मिसेस पिंटो, ठंड बहुत है, आइए यहां बैठ जाइए आग के पास। थैंक यू मिसेस पिंटो। जब आप यहाँ पहले काम करती थी तो क्या आप सिर्फ बच्चों की देखभाल करती थी या? नहीं नहीं, मैं हाउसकीपर थी, पूरे घर की देखभाल मैं खुद किया करती थी। और कितने नौकर थे यहाँ? 15, बस आखिर में 3 रह गए थे। सिर्फ 3? वो क्यों? हमारे मालिक लंदन चले गए, उनका बिजनेस वहीं पर था, वो ही जाकर बस गए। शुरू शुरू में कभी कभार आते थे, फिर वो भी बंद हो गया। फिर धीरे धीरे इतना बड़ा घर जो कभी लोगों से भरा हुआ होता था सुनसान होता गया और एक दिन खाली हो गया। कितनी अजीब बात है, सब इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जंग से पहले मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़कर चले गए, बस वही आखिरी मुलाकात थी मेरी मेरे रिश्तेदारों के साथ। हम भी तो इस जगह को छोड़कर चले गए थे,
लेकिन आप यहाँ से गई क्यों थी? क्यों गई थी? यूं समझे कि जाना पड़ा, प्लेग की बीमारी फैल गई थी, बस जबरदस्ती जाना पड़ा। ओ, तो तभी मारे ने बोलना बंद कर दिया था? शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। लगता है मेरी याददाश्त को जंग लग गया है। बस अचानक ही उसने बोलना बंद कर दिया। लेकिन उसकी कोई तो वजह होगी मिसेस पिंटू। लोग ऐसे ही अचानक बोलना बंद नहीं कर देते। कहीं कोई सदमा, कोई ट्रॉमा? रात बहुत हो गई है मैडम। सुबह मुझे बहुत काम है। अब सो जाना चाहिए। आप ही सो जाइए। गुड नाइट। हाँ जानते हो फ्रैंक? क्या? ये आवाज जो तुम्हें छूकर जाती है, मुझे इससे भी जलन होती है, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। ओ, और बच्चे जब आएंगे तब उनके आने में भी तो प्यार बांटेगा ना? आखिर वो भी तो बराबरी के हिस्सेदार होंगे। फिर बड़े होंगे, तुम्हारे गले लगेंगे, शायद शायद तब भी मुझे जलन होगी। Hey Sandra, I think you're mad. Yes Frank, I'm mad. मगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी आएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पापा, पापा कब आएंगे? पापा जंग खत्म होते ही पापा आ जाएंगे। वो जंग पर क्यों गए? आपके पापा बहुत बहादुर हैं और जंग में बहादुरों की बहुत जरूरत होती है। थोड़े दिनों में ही पापा आ जाएंगे। चलो आंखें बंद कर लो।
मिसेस पिंटो, मिसेस पिंटो, मामी क्या हुआ मैडम? जाओ भी आदि क्या हुआ? नहीं हाँ क्या? नहीं क्या दीजिए? नहीं हुआ क्या? उस कमरे में तो मैं गई थी थोड़ी देर पहले ही। ये टैबलेट ले लीजिए, आराम मिलेगा। और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अलावा कोई और भी उस कमरे में है, और वो इंसान नहीं है। इस घर में कुछ है मिसेस पिंटू, कोई ऐसी चीज जिसे चैन नहीं है, जो भटकती फिर रही है। मैं जानती हूं आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती। You don't believe me, ना? कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। मैं खुद इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। I believe you. मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है, बल्कि मैं तो शुरू से ही इन बातों पर विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ इन बातों को समझना इतना आसान नहीं है, फिर भी ऐसा होता है। ऐसी बहुत सी कहानियां अक्सर सुनी है मैंने। मैंने तो ये भी सुना है कि कभी कभी वो दीवार भी टूट जाती है जिसने जिंदा और मुर्दा को अलग कर रखा है, और जब वो दीवार गिरती है तो मुर्दा जिंदा लोगों में शामिल हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? जिंदा और मुर्दा? जिंदा और मुर्दा तो सिर्फ उसी दिन मिलेंगे जिस दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है। कभी कभी किसी बात का जवाब कहीं नहीं होता। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब किसी भी जगह नहीं है मैम। कौन? कौन है? मिसेस पिंटो, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं आप? मिसेस पिंटो, माय गॉड, फादर ने तो कहा था कि मैं नहीं जानना चाहती। फादर ने आपसे क्या कहा था? उन्हें जो भी कहना है वो मुझसे कहेंगे। उनको यहाँ आना ही होगा। मगर हम उनसे कहेंगे क्या? यही कि हमने सारा घर छान मारा, कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। मिसेस पिंटो, उनका यहाँ आना बहुत जरूरी है। He has to bless this house. रुक जाइए, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मिस्टर एडगर, मिस्टर एडगर। जी मैडम। आप इस बात को पूरी तरह से चेक कीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ कब्रें कहाँ हैं। कब्रे मैडम? हाँ कब्रे। जब हमने ये घर खरीदा था तो हमसे कहा गया था कि यहाँ एक छोटा सा कब्रिस्तान है, शायद वहाँ झाड़ियों के पीछे। लेकिन मैडम यहाँ तो कोई कब्रिस्तान नहीं है। कब्रिस्तान है मिस्टर एडगर, और मेरे जाना बहुत जरूरी है कि उन कब्रों में से एक कब्र उस लड़के विकी की तो नहीं है। प्लीज आप चेक कीजिए। जी मैडम। थैंक यू। अब वो ये समझने लगी है ये हाउस हॉन्टेड हाउस है, भूत रहते हैं यहाँ। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता है कि
इस तरह से बाहर जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। कहीं नहीं जा सकती ये धुंध उसे कहीं नहीं जाने देगी। धुंध? हाँ धुंध, इस धुंध के बारे में तो मैं भूल ही गया था। अच्छा मिसेस पिंटू, ये बताइए कि अब हम क्या करें? अभी इस सच्चाई से पर्दा उठाने की जरूरत नहीं? नहीं एडी, अभी नहीं, अभी तो उसे एडी वो कबर ओ, ओ। आएंगे पापा, कब आएंगे? God, I missed you. तू ठीक हो ना? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम ठीक हो ना फ्रैंक? तुम पर सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आ गए हो ना, तुम घर आ गए हो फ्रैंक, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी। अरे आप आइए। मिसेस पिंटू, ये है मेरे पति फ्रैंक। अच्छा हुआ आप आ गए। आपको देखकर लगता है बहुत लंबे सफर से आए हैं। हाँ, मैं मुसाफिर हूँ। दरअसल ये बहुत थके हुए हैं। आप एक काम कीजिए, इनके नहाने के लिए गर्म पानी तैयार कर दीजिए और उसके बाद खाना लगा दीजिए। यस मैम। बच्चे ऊपर हैं फ्रैंक।
किसी ने सही कहा है। अगर गॉड की खूबसूरती देखनी हो तो सिर्फ बच्चों में देखो। बेटा शायद मैं सफर पे था। तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैं कह रही थी ना डेविड, डैडी जरूर आएंगे, डैडी आ गए। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे, अपनी मम्मी को तंग तो नहीं करते ना? गॉड, अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत मिलता है, मम्मी पापा से भी मिलता है, गॉड से भी मिलता है। आप वॉर पे गए थे ना, कितने दुश्मनों को मारा। फ्रैंक नीचे आते ही होंगे। यस फ्रैंक, लंच तैयार है, आप नीचे आ रहे हो? फ्रैंक खाने लग गया, आप नीचे आ जाओ। फ्रैंक तुम कब तक ऐसे ही भूखे प्यासे लेटे रहोगे? लेटे रहने में तुम्हें ऑब्जेक्शन है तो लो बैठ जाता हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था फ्रैंक, अगर तुम्हें नीचे नहीं आना था तो मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं ले आती, बट यू मस्ट ईट समथिंग। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्या हुआ तुम्हारी भूख को? शायद मर गई। मरते तो इंसान है फ्रैंक, भूख कभी मरती है भला? भूख तो खाना खाने पर मिट जाती है। कुछ होगा तो मिटेगा ना, जब भूख ही नहीं है तो मिटेगा क्या? मम्मा, पापा कह रहे थे कि उन्होंने कुछ मरे हुए लोगों को देखा है। मामा, जो लोग वॉर पे जाते हैं और मर जाते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं? ये कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? क्यों मामा? सीधी सी बात है, कौन कहाँ जाता है ये तो उनके कर्मों पर डिपेंड करता है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। पता कैसे लगता है कौन अच्छा है कौन बुरा? बस सारा, खाना खाते टाइम बात नहीं करते, और वैसे भी तुम्हें वॉर पर नहीं जाना। हम तो कहीं जाएंगे भी नहीं, हमें कौन बाहर जाने देता है? बेटी, और तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? तुम अपने घर में हो, अपने मम्मी पापा के पास, जो तुम्हें बहुत 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 प्यार करते हैं। और वो तो जबरदस्ती घुसाते हैं। कौन? भाई, बाहर वाले। इस घर में कोई बाहर वाले नहीं है। आपने ही तो कहा था इस घर में कोई जबरदस्ती घुसा है। मैंने कहा था कि इस घर में कोई भी जबरदस्ती घुस नहीं सकता, और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना, समझी तुम? लेकिन आपने ही कहा था कि हमारे घर में कोई जबरदस्ती घुसा है। बस बहुत हो चुका। एक बात कहूं? नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने कहा है। सारा सारा ऐसी सांसें लेना बंद करो। सारा प्लीज ऐसी सांसें मत लो। सारा मैंने कहा ऐसी सांसें लेना बंद करो। उठो और जाओ अपने कमरे में,
Get up, go to your room. और तब तक बाहर नहीं आना जब तक मैं ना कहूं. ओहो सारा, बस बेटी बस चुप हो जाओ, मत रो. इस तरह रोगी ना तो इतना सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा. ओले दो. सारा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने भी उन लोगों को देखा है. हाँ, पर तुम इतना सोचा मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारे मम्मी को भी वो लोग दिख जाएंगे. वो कैसे? बहुत जल्द इस घर में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है. अनबिलीवेबल. अनबिलीवेबल. तुम्हारे बिना मैं और ये घर अधूरे हो गए थे. थैंक गॉड यू आर बैक. बच्चे भी बहुत खुश हैं. बचपन में खुश रहने वाले बच्चे ही आगे चलकर अच्छे इंसान बनते हैं. ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बच्चों के डैडी खुश नहीं दिखाई दे रहे, क्या बात है? यही तो बात है कि बात का पता नहीं चल रहा क्या बात है. फ्रैंक, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम मुझसे नाराज हो. अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी. ठीक और गलत के बीच और भी कुछ होता है सैंड्रा. क्या? एक्सीडेंट, हादसा, जो ना सही होता है ना गलत, जो सिर्फ बैड लक होता है, जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं. क्या तुम्हारे साथ भी कोई एक्सीडेंट हुआ था? शायद हुआ था, शायद अभी हो रहा हो. What's wrong with you, Frank? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? Frank, ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, डेविड और सारा तुम्हारे बच्चे हैं. फूल की तरह खिली हुई ये हकीकत तुम्हारे सामने है और तुम अगर ये हकीकत है और फूल की तरह खिली हुई है तो फिर खुशबू क्यों नहीं? क्या क्या कहा तुमने? कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं. प्लीज लीव मी अलोन. अब तो वो ऐसे कर ही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं. और उसकी बेटी? बेटी इतनी जिद्दी नहीं है, और फिर बच्चों को समझाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उनकी माँ को. वो हमारे रास्ते में रुकावट बन सकती है. ये ड्रेस मैंने अपने हाथों से अपनी प्यारी बेटी के लिए बनाई है. So sweet of you. Thank you, Mama. और मामा, मैं तो एकदम दुल्हन की तरह लग रही हूँ ना? Like a beautiful bride. चलो अभी से उतार दो. नहीं मामा, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ी देर. सारा, ये मैंने आपके पहले कम्युनियन के लिए बनाई है, गंदी हो जाएगी. I promise मैं इसे गंदा नहीं होने दूंगी. ओके, थोड़ी देर और पहनने दो प्लीज मामा. माय गुड मामा. एक शर्त पर, आप जमीन पर नहीं बैठोगे. आप इसे गंदा नहीं करोगे. प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस. हाँ, थैंक यू मम्मा. ओके. हम्म.
ये तुमसे कहा था ना जमीन पर मत बैठना। मम्मा कपड़ों को कुछ नहीं हुआ है, कपड़े साफ है। तुम हमेशा वही काम क्यों करती हो जिसके लिए तुम्हें मना किया जाता है? पागल हो, मैं ही सारा हूं, मैं ही तुम्हारी बेटी हूं। तुम मेरी बेटी नहीं हो। सारा कहां है? बता दो सारा कहां है? बता दो मेरी सारा कहां है? कहां है सारा? कहां है मेरी सारा? क्या किया तुमने मेरी सारा के साथ? तुम मेरी सारा कहां हो? सारा कहां है? ठीक है ना मिसेस पिंटो? वो संभाल ही नहीं रही थी, इसलिए मैं उसे उसके पापा के पास छोड़ आई हूँ। दरअसल वो अपने पापा के साथ बात करना चाह रही थी। अच्छा। आई एम सॉरी मैम, पर हुआ क्या था? एक बात बोलूं मैम, आपको आराम की बहुत जरूरत है। आप अकेले इस घर की सारी जिम्मेदारी संभाल नहीं पा रही हैं, इसलिए इस घर की सारी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। हमें पता है इस घर में कब क्या करना चाहिए। क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हैं आप? क्या आप जानती हैं कि इस घर में कब और क्या करना चाहिए? नहीं, मैं तो आपके भले के लिए सजेशन दे रही। मुझे आपके कोई सजेशन की जरूरत नहीं है। और ये क्या दे रही हैं आप मुझे? वही जो आप हमेशा लेती हैं, सर दर्द माइग्रेन की गोली। जाइए जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। फ्रैंक, फ्रैंक, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूं, तुम्हें मेरी आवाज सुना नहीं दी? हाँ सुनाई थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे आवाज बहुत दूर से आ रही है। ये तुम कहां खो जाते हो फ्रैंक? किस सोच में डूब जाते हो? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे तुम मुझसे बहुत दूर होते जा रहे हो। मजबूरी भी है और शायद शायद दूरी भी। क्या क्या कहा तुमने? नहीं,
सारा कुछ बोल रही थी, मुझे ठीक तरह से समझ में नहीं आया। सारा तो बच्ची है और आजकल बहुत बातें बनाने लग गई है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है बहुत पहले जो तुमने मुझसे कहा था, फ्रैंक तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं, और मैं बच्चों से उतना ही प्यार करती हूं जितना कि तुम। सारा सारा क्या हुआ? उसने मुझे मारा, पागल हो गई है वो, ठीक उसी दिन की तरह। तुम्हें याद है ना? नहीं मुझे नहीं याद है। फ्रैंक तुम कहीं जा रहे हो? हाँ। क्यों कहाँ? कब क्यों कहाँ कैसे, इन सवालों का जवाब एक अनजान कंफ्यूजन में खो गए। कंफ्यूजन? कैसा कंफ्यूजन फ्रैंक? ये तुम्हारा घर है, हम सब तुम्हारे हैं। हाँ ये सब जानते हुए भी मैं तो मैं ही हूं ना। फ्रैंक हमारे रिश्ते में क्या इतनी भी शक्ति नहीं जो तुम्हारे इस मैं को हम में बदल सके? शक्ति रिश्तों में नहीं होती सैंड्रा, रिश्तों की बुनियाद में होती है। किस बुनियाद की बात कर रहे हो फ्रैंक? प्यार तो हर रिश्ते की बुनियाद होता है ना। बुनियाद एक वहम भी हो सकता है। ये वहम नहीं हकीकत है फ्रैंक, मैं तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी हूं, सारा और डेविड तुम्हारे बच्चे हैं। वो मेरे बच्चे नहीं हैं। वो तो अंधेरे। अंधेरा उनकी मजबूरी है फ्रैंक, उजाले का सामना करेंगे तो अंधे हो जाएंगे। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? मैं तो खुद अंधेरे उजाले के बीच किसी मोड़ पर खड़ा अपनी दिशा तलाश कर रहा हूं। तुम्हारा सफर खत्म हो चुका है फ्रैंक, तुम्हें कोई दिशा तलाश करने की जरूरत नहीं है। तुम किसी मोड़ पर नहीं हो, अपनी मंजिल पर हो। नहीं सांडा, ये मेरी मंजिल नहीं हो सकती है। अगर ये मोड़ नहीं है तो पड़ाव होगा, लेकिन मेरी मंजिल नहीं हो सकती। ऐसा क्यों कह रहे हो फ्रैंक? क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह ख्वाब है कि हकीकत। तुम सोए तो नहीं हो, जाग रहे हो। जागते में भी इंसान सपने देखता है। मैं सपनों से मुक्ति चाहता हूं। फ्रैंक 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 प्लीज, यू कैन लीव मी गो लाइक दिस, यू कैन लीव मी अगेन एंड गो लाइक दिस। फ्रैंक फ्रैंक प्लीज, फ्रैंक फ्रैंक प्लीज प्लीज डोंट लीव मी। Don't leave me again. Frank. Frank, please. Frank, please, please, Frank. Frank. Come. Frank. तुम चांद हो सकती हो सैंड्रा, लेकिन मैं आसमान नहीं। ये पागलों जैसी बातें मत करो मेरे यार। एक तो तुम 10 दिन के बाद लौटे हो, ऊपर से ये बेतुकी बातें। तुम हकीकत की जमीन पर खड़े हो, यहां वहम के पौधे नहीं उगते।
मैं वहम की बात नहीं कर रहा हूं वीरू, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। वो हकीकत जो मुझ पर बीत चुकी है, जो मैंने देखी है, छुई है, महसूस की है। समथिंग इज रॉन्ग विद यू फ्रैंक। तुम कह रहे हो एक औरत है जो तुम्हें पति कहकर बुलाती है, बच्चे हैं जो तुम्हें डैडी कहकर बुला रहे हैं, और जबकि तुम्हारी शादी नहीं हुई। मैं जानता हूं मेरी शादी नहीं हुई वीरू, लेकिन वो घर, उसमें वो औरत, दो बच्चे, उनकी प्रेजेंस मुझे पुकार पुकार कर कह रही है कि वो मेरे मेरे। और तुम चुपचाप सुनते रहे। मुझे डर लग रहा है फ्रैंक, अगर तुमने ये बात मान ली तो होगा क्या तुम्हारा? माना तो नहीं वीरू, लेकिन इनकार भी नहीं कर सका। नहीं बता पाया उन्हें कि जो मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने तुम्हें हकीकत बयान करने से रोक दिया? कोई ऐसी ताकत जिससे मैं वाकिफ नहीं हूं, मगर जो मेरे अंदर है। समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाऊं या कंपनी के चेयरमैन के पास, जिसने तुम्हारे लापता होने की वजह से आसमान सर पे उठा रखा है? क्यों, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? फ्रैंक, तुम अच्छी तरह जानते हो कंपनी की रेपुटेशन तुम्हारी ही वजह से है, और तुम्हारी गैर हाजिरी में कंपनी ने दो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लूज कर दिए हैं। इसमें चेयरमैन भड़केगा नहीं तो क्या करेगा? लेकिन वीरू, मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं हूं। वो किसी से मिलता ही नहीं। आर्मी का रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, इमरजेंसी हो तभी बाहर आता है, और इससे बड़ी इमरजेंसी उसके लिए क्या होगी? वीरू प्लीज, ये प्रॉब्लम तुम हैंडल करो, संभाल लो। मैं संभाल लूंगा, मगर एक बार तुम्हें उससे मिलना ही पड़ेगा। वीरू, अभी कुछ वक्त मैं अपने साथ गुजारना चाहता हूं, अपने आप को समझने के लिए। मेरे जीवन के संगीत में तीन नए सुर आए, सारा, सैंड्रा, डेविड। ये मेरे प्रेजेंट तो है नहीं, क्या ये मेरा पास्ट है या फिर मेरा फ्यूचर? टेक योर टाइम, हम इस मामले को किस तरह हल कर लेंगे। आई एम विद यू फ्रैंक, आई एम विद यू। फ्रैंक, फ्रैंक, चले गए। मामा, नहीं, नहीं, आप झूठ कहते हो, मुझे मेरे पापा चाहिए। मैं सच कह रही हूँ बेटे, पता नहीं कहाँ पापा चले गए। हेलो वीरे। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू, मीट माय कोलीग। मॉर्निंग सर। ओह माय गॉड, फ्रैंक, तुम यहाँ, तुम तो, माफी चाहता हूं सर, लेकिन
मैं तो आपसे पहले मिला नहीं। इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल सर, ये फ्रैंक है अपनी कंपनी का इंजीनियर। नहीं 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 मिस्टर वीरेंद्र, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अगर ये फ्रैंक है तो ये इंजीनियर नहीं हो सकता, अगर ये इंजीनियर है तो ये फ्रैंक नहीं हो सकता। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं फ्रैंक ही हूँ और आपकी कंपनी का इंजीनियर हूँ। सर यही फ्रैंक है और अपनी कंपनी का इंजीनियर है और इसी की वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन है। माय डियर यंग मैन, फ्रैंक एक आर्मी ऑफिसर था, मेरा कजिन था, वार में उसने मेरी ही गोद में दम तोड़ा था। लेकिन तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा कद, उसका नाम भी फ्रैंक ही था। यस यस, इनका नाम भी फ्रैंक है? आप किस फ्रैंक की बात कर रहे हैं? कब की बात कर रहे हैं? ओ ओ ओ, आई सी, अगर ये फ्रैंक है अभी तो उम्र ये कैसे हो सकती है? द टाइम नेवर स्टॉप्स। माय गॉड, अनबिलीवेबल। ये करिश्मा है, करिश्मा है ये। इस घर के सारे पर्दे कहाँ गए? इस घर के सारे पर्दे कहाँ गए? बताओ मुझे, इस घर के सारे पर्दे कहाँ गए? कहाँ गए सारे पर्दे? कौन ले गया इस घर के सारे पर्दे? बताओ मुझे, कौन ले गया इस घर के सारे पर्दे? बताओ मुझे, कौन 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 है इस घर में, कौन? देखो देखो, तुम सब जानते हो, मैं जानती हूँ, तुम सब जानती हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ ना? बताओ प्लीज, प्लीज बताओ मुझे, तुम्हें सब पता है, तुम सब जानती हो, मुझे बताओ प्लीज, मुझे बताओ कौन है इस घर में? प्लीज 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 प्लीज, मुझे कौन है, कौन इस घर में, बताओ। तुम बोल नहीं सकती ना? कोई बात नहीं, ठहरो ठहरो, लिख तो सकती ना? लिख कर बताओ, लिखो लिखो लिखो, लिख कर बताओ क्या हो रहा है, लिखो क्या हुआ था। मैडम छोड़ दीजिए इसे, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? क्योंकि ये गुंगी के साथ साथ अनपढ़ है, लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानती। तो फिर कहाँ गए, कहाँ गए इस घर के सारे पर्दे, कहाँ गए? कौन उन्हें उतार कर ले गया? मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, आप लोग समझते क्यों नहीं? कौन ले गया सारे पर्दे? मैं जानती हूँ कोई सारे पर्दे ले गया है, लेकिन इस तरह चिल्लाने से क्या होगा? ओ एडी, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बुलाने वाली थी। कुछ पता चला? किस बात को मिसेस पिंटो? एडगर, एडगर कोई सारे पर्दे उतार कर ले गया यहाँ से। अजीब बात है, भला किसी को पर्दे ले जाने की क्या जरूरत थी? क्यों ले गया? क्या वजह हो सकती है मैडम? मेरे ख्याल से एक वजह है। क्या वजह? शायद कोई चाहता हो सूरज का उजाला इस घर के अंदर आए। इसका मतलब है कि कोई मेरे बच्चों को मार डालना चाहता है। आप ऐसा क्यों सोच रही है मैडम? भला सूरज की रोशनी से किसी की जान जा सकती है? तुम पागल हो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बच्चे फोटो सेंसिटिव है, ये रोशनी उनकी जान नहीं लेगी। लेकिन वो तो आपने तब बताया था, तब और अब में बहुत देर हो गई है मैडम। हो सकता है बच्चे अब ठीक हो गए हो। आप अगर उन्हें इस तरह अंधेरे में छिपा कर रखेंगी तो पता कैसे चलेगा? ये बीमारियां भी बहुत अजीब होती है मैडम। अब देखिए ना, मेरी छोटी साली के कमर और पैरों में बहुत दर्द रहता था, एक दिन अचानक वो बीमारी कहीं गायब हो गई। और अगर साहब आएंगे तो क्या सोचेंगे? मैं जानती हूँ तुम तीनों क्या चाहते हो। तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग मुझे और मेरे बच्चों को डराकर इस घर से भगा दो। सब समझ गई हूँ मैं। जब से तुम तीनों इस घर में आए हो, तुम्हारी यही कोशिश रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लाओ चाबियां दो। आप बिना वजह परेशान हो रही है, जरा सोचिए तो। अगर मैंने कहा चाबियां दो,
दोबारा मैं बोलूंगी नहीं। आउट आउट। हद होगी, बात तक सुनने को ये औरत तैयार नहीं। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, अब हमें कुछ करना ही चाहिए। क्यों एडी? बहुत हो चुका है, वाकई हद हो गई है। इतनी जिद भी ठीक नहीं है। अब मेरे ख्याल से हमें एक काम करना ही होगा। क्या काम? सूखे पत्तों को कब्र से हटाना होगा। चलिए। इस तस्वीर को गौर से देखो, देखो। और से क्या देखना, ये तो मैं ही हूं वीरू। ये देखो, ये सनरा, ये सारा, ये डेविड, इन्हीं लोगों के साथ इन्हीं के घर मैंने इतने दिन गुजारे। हाउ इज इट पॉसिबल? पिछले दिनों तो मैं इन्हीं लोगों के बीच रह कर आया हूं। इन तस्वीरों को देखकर तुम्हारी बात पर यकीन ना करो। इट्स नॉट पॉसिबल। फ्रैंक, एक बात बताओ, इन लोगों के आसपास रहते हुए तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? सर, मेरे मन में यह बात तो क्लियर थी कि मैं वो नहीं हूं जो ये लोग समझ रहे हैं। मैं उन्हें असलियत बताना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कुछ कहा नहीं गया। दैट्स इट, दैट्स इट। अब इस मिस्ट्री को सिर्फ एक ही शर्त पर समझा जा सकता है। This is a case of reincarnation, rebirth. ये पुनर्जन्म का किस्सा है। पुनर्जन्म हकीकत है। लेकिन सर, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये तस्वीर, तुम्हारा वजूद और इन तीनों हस्तियों के साथ तुम्हारी हुई मुलाकात इस बात का ठोस सबूत है कि रीबर्थ होता है। What's your full name? Frank James Williams. इसका नाम था Frank John Williams. और मैं समझता हूं कि तुम्हारी पैदाइश 27 जून 1962 को दोपहर को 3:30 बजे होनी चाहिए, राइट? Yes, sir. That is the exact date and time of my birth. I am really confused. समझ में नहीं आ रहा मैं इस धरती पर हूं या किसी और प्लेनेट पे पहुंच गया। It's really a mystery for me. लेकिन अब मुझे सब समझ में आ रहा है। मेरा नाम भले ही फ्रैंक जेम्स हो, लेकिन मेरी सूरत और मेरी आत्मा फ्रैंक जॉन की है। अगर यह सही है तो फिर सवाल पैदा होता है कि ऐसा करने का, नेचर का, गॉड का मकसद क्या है? मकसद समझ में आया सर, मुझे वापस जाना होगा। सारा, मम्मा क्या कर रही है? वो पागल हो गई है। झूठी, कहा ना वो पागल हो गई है। तुम झूठ बोल रही हो तो ठीक है, बैठे रहो यहाँ पे अकेले। अकेले क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ। कहाँ? जंगल में। इतनी रात को क्यों जा रही हो? पापा को ढूंढने। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। भाग कर जा रही हो? हाँ। खिड़की से कूद के जाओगी? हाँ, मैं खिड़की से भाग के जाऊंगी। सारा, अब क्या है डेविड? मुझे भी पापा के पास जाना है, मैं भी आता हूँ। आओ। आराम से चलो। सारा, बोलो मत।
जल्दी चलो। सारा वहां क्या है? शायद कब्रें हैं। यहीं रुको। सारा वहां मत जा। क्यों? कहीं वहां से भूत निकला है तो? कब्रों में भूत नहीं होते, सिर्फ स्केलेटन्स होते हैं। ओके, यहीं खड़े रहो। ओह जीसस, डेविड, इस पर कुछ लिखा है। सारे यहां से चलो। रुको, चलाने से कुछ नहीं होगा मैडम, हमें तो प्लेग की बीमारी पहले ही मार चुकी है। आगे मत आना, आगे मत आना। दरवाजा खोलिए मैडम। क्यों खोले दरवाजा? क्या चाहते हो तुम लोग? मम्मा दरवाजा मत खोलना। हाँ बाबा, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हमने उनकी कमरे देखी है मम्मा। तुम लोग भाग कर ऊपर जाओ, कहीं छुप जाओ मेरे बच्चों। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। कोई बात नहीं, ऊपर जाओ और सुनो, कुछ भी हो जाए अलग मत होना। जाओ ऊपर जाओ। हम कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? इस घर के बारे में, इस घर के बदले हुए हालात के बारे में। कौन से हालात? क्या कहना चाहती हो तुम? हमें एक साथ रहने की आदत डालनी होगी। हमें सीखना होगा जिंदा और मुर्दा एक साथ कैसे रहते हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम लोग मर गए हो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे और मेरे बच्चे को अपने हाल पर छोड़ दो, चले जाओ। चलो मान लिया, हम आपको छोड़कर चले गए,
पर वो लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। कौन वो लोग? वही बाहर वाले। यहाँ कोई बाहर वाले नहीं है। हैं मैडम, वही तो इस घर के सारे पर्दे उतार कर ले गए थे। नहीं, यहाँ कोई बाहर वाले नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैडम, वो इस वक्त इस घर में मौजूद हैं, इस घर के अंदर। और वो आपको ढूंढ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है मैडम, और बहुत जल्द वो आपको अपनी बस में भी कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कोई आवाज आ रही है। चुप हो जाओ। कहाँ तुम? उन लोगों ने बच्चों को ढूंढ लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपको खुद ऊपर जाकर बात करनी होगी। जल्दी जाइए, वक्त बर्बाद मत कीजिए। जल्दी जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे इसी कमरे में हैं। मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। लेकिन हमें तो यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। ना तो आप उन्हें देख सकेंगे और ना ही सुन सकेंगे। तुम किस बात से डरे हुए हो बच्चों? वो कौन सी बात है जिससे तुम डरे हुए हो? मुझसे बात करो, मुझे बताओ क्या बात है। बच्चों मुझसे बात करो, क्या बात है? मुझे बताओ क्या बात है। इसे कुछ मत कहना, इसे कुछ मत बताना। कुछ मत कहना, कुछ मत बताना। नहीं डेविड, अगर मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया तो ये हमें चैन से जीने देंगे। मामा, 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 मामा। तुम क्यों रो रहे हो बच्चों? क्या हुआ था इस कमरे में? मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तकिए से सांस बंद कर दी थी हमारी। तो तुम्हारी माँ ने तुम दोनों की जान ले ली, मार दिया था तुम दोनों को तकिए से? नहीं, नहीं, उसने हमें नहीं मारा। बच्चों अगर तुम मर गए हो तो इस घर में कैसे हो? हम नहीं मरे।
ठीक है? हाँ, बस सर जरा भारी है। क्या हुआ था? वो आए थे तीनों? हाँ, तीनों, माँ और उसके दोनों बच्चे। स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है और दिलचस्प भी। दिलचस्प? आपको ये बातें अजीब और दिलचस्प लग रही हैं और मेरी यहाँ जान जा रही है? अनीता, अभी तक तुम उनके बारे में ठीक तरह से जानते भी नहीं है। और क्या जानना बाकी रह गया है? क्या इतना जानना बहुत नहीं है कि वो औरत पागल हो गई थी और उसने अपने हाथों अपने बच्चों की सांस रोककर उन्हें मार डाला और फिर खुद के ऊपर गोली चला ली? मेरे बारे में ना सही, अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। पर उसे क्या हुआ है? अच्छा भला तो है विकी? अच्छा भला है वो? रात को चिल्लाते चिल्लाते उठता है वो, डरावने सपने उसे सोने नहीं देते, और आप कह रहे हो उसे क्या हो गया? ओके ओके, ठीक है, हम कल सुबह सवेरे ही यहाँ से चले जाएंगे। बस सॉरी सॉरी आई एम सॉरी सॉरी बेटा सॉरी आई लव यू पापा आई लव यू टू आई लव यू मैंने तुम दोनों को बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया है। मेरे लिए तुम दोनों और तुम्हारे पापा ही सब कुछ थे। मैं तुम्हें दिलासा देती रही कि तुम्हारे पापा आ जाएंगे, तुम्हारे पापा आ जाएंगे। इंतजार करती रही और फिर एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। कमिंग कमिंग फ्रैंक। फ्रैंक नहीं आया, उसके मौत की खबर आई। मेरी जिंदगी, मेरी ममता, मेरे प्यार और मेरी उम्मीदों का कब्रिस्तान बन गए। बस यही एहसास काफी था उस फैसले के लिए। विकी, विकी चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं है, चलो बड़े। सैंड्रा कहाँ हो तुम? सैंड्रा, सैंड्रा, सैंड्रा। मैं यहां हूं फ्रैंक। सैंड्रा, मैं आ गया हूं। सैंड्रा, मैं ही तुम्हारा फ्रैंक हूं। फ्रैंक, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। हम सब लोग साथ मिलकर रहेंगे सैंड्रा। यस। नहीं फ्रैंक, ये मुमकिन नहीं है। क्यों सैंड्रा? फ्रैंक, ये सच है कि जिंदगी एक सफर है, लेकिन वक्त, वक्त कोई जमीन नहीं जिस पे आगे चलकर फिर से लौटा जा सके। तुम बहुत आगे निकल गए हो फ्रैंक, जहां तक मैं पहुंच नहीं सकती। हाँ, मैं बहुत पीछे रह गई हूं, जहां तक तुम लौट कर नहीं आ सकते। मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआ करूंगी। सैंड्रा प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर पागल बनकर जीना नहीं चाहता। अगर तुम्हारा और मेरा मिलन का रास्ता मौत है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं सैंड्रा, प्लीज। नहीं फ्रैंक, मौत शरीर से आत्मा को जुदा करती है, दो आत्माओं को मिलाती नहीं। फ्रैंक, एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो प्लीज।
अपना ख्याल रखना फ्रैंक, और इसे इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन हाँ मैं वक्त का इंतजार जरूर करूंगी। चलती हूँ फ्रैंक। अगर तुम खड़े हो गए हो, यह मंजिल नहीं अंत है, यानी कि एंड। किसका एंड? उन बीते 10 दिनों का, जिन्हें सपना समझकर तुम याद तो रख सकते हो, उनके साथ जी नहीं सकते। नहीं वीरू, ऐसा कहा गया है जहां अंत होता है वहीं से शुरुआत होती है। हो सकता है मेरी शुरुआत भी यहीं कहीं आसपास हो। आसपास कुछ भी नहीं है फ्रैंक, इस खाला में भटकती उन रूहों के साए हैं जिन्हें तुम जिंदगी समझ बैठे हो, मगर ये जिंदगी नहीं है मेरे दोस्त। यहां जिंदगी थी अभी थोड़ी देर पहले। जिंदगी नहीं फ्रैंक, वो उस हकीकत का साया था जो बहुत पहले वक्त के दामन में दम तोड़ चुका है। फ्रैंक, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, चलो मेरे साथ चलो, जिंदगी उधर है, चलो।